सोलन का शांति बाईपास का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर निर्माण कार्य चींटी की चाल से चलाया जा रहा है। यहां चल रहे निर्माण कार्य को आहिस्ता आहिस्ता ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि सोलन के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल अपने दम पर सोलन का विकास करवाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकारी तंत्र अपनी गति बदलने को तैयार नहीं है। सोलन के विधायक ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शांति बाईपास का दौरा किया और पाया कि उसका कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है। उन्होंने इस मौके पर यह अफसोस भी जताया कि इसका कार्य काफी समय पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट लतीफी के कारण यह कार्य पूरे होने पर नहीं आ रहा है। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि जब वे 2012 में विधायक बने थे तो उनका सबसे पहला लक्ष्य सोलन में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना था। उन्होंने कहा कि सोलन में अन्य जिलों से सेब और अन्य किसानों की फसल बड़े बड़े ट्रक और ट्रॉले लेकर मंडियों की ओर निकलते हैं, जिसकी वजह से सड़कों में लंबा जाम लगा रहता है। जाम की वजह से शहर वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए उनके द्वारा शांति बाईपास की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन राजनीतिक के कारण इसका कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उनके द्वारा बाईपास का मुआयना किया गया, जिसे देखकर लगता है कि इस वर्ष तक बाईपास की सुविधा सोलन वासियों को मिल जाएगी। शुरू से इसकी लागत आंकी गई थी तो अबाउट 26 करोड़, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखो एस्केलेशन तो होती है, मटेरियल कॉस्ट सो मनी, लेबर कॉस्ट सो मनी थिंग अप्रिशिएट होती रहती है, तो मेरे को लगता है उसके बाद ये ऊपर को भी जाना सॉर्ट ऑफ यू नो पॉसिबिलिटी है। और अब जब हम इसके फाइनल वो देंगे तो एक्शन साहब साथ हैं, मेरे को लगता है इसमें काफ़ी ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ऐसे मेरे को लगता है। लेकिन सबसे बड़ी जो देखने की बात इसमें है वो ये है कि जब व्हेन आई वाज मेंबर पार्लियामेंट एंड आई यूज टू गो टू ऑल द 3 डिस्ट्रिक्ट्स, वही जैसे नीचे को आना अपने पछाद से सरमौर से सोलन के थ्रू से पल्ली नेरी पुल से ऊपर जब मैं जाता था और सोलन का ध्यान करते थे हम कि कितना बड़ा हमारे पे प्रेशर है, तब मेरे दिमाग में रहता था कि वाकई जो शांति बाईपास का कंसेप्ट जो था कि भाई एक बाईपास होना चाहिए। इसीलिए जब मैंने ऊपर प्रॉब्लम देखी कि जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर हम इन तीनों ज़िलों की शिमला सोलन और सिरमौर के जो हमारी मेन यहाँ की प्रेशर है वो अगर कहीं से इससे निकले तो सोलन टाउन में बड़े अच्छे तरीके से सुविधापूर्वक आप रह सकते हैं और आपका वाहन चलना वगैरह आसानी होता। तो इट वॉज द मेन कॉन। इसलिए 2012 में जब मैं पहला इलेक्शन रहा, मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें नंबर वन पॉइंट आप देखेंगे इट इज़ ऑफ शांति बाईपास कि हम इसको अवश्य बनाएंगे। और मेरा मानना है कि आजकल के शहरीकरण में जिसमें बहुत प्रेशर होता है गाड़ियों का, हमेशा बाईपास बनाने ज़रूरी होते हैं ताकि जो शहर में आबादी रहे उनका बच्चों का मूवमेंट होना और हर प्रकार की जो मूवमेंट होती है वो ठीक हो सके, ये इसके पीछे बहुत बड़ा एम था। हाउएवर आई नो कि ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, कई कुछ भी हो सकते हैं, राजनीति हो सकते हैं, कई बार आर्थिक भी हो सकते हैं, ये प्रोजेक्ट काफ़ी आगे होता रहा। और मुझे अभी खुशी ये है कि अब आपके सामने ये मेटल हो चुका है, हो ही गया है। लगभग इसमें थोड़ी बहुत और छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आई थिंक ठीक ठाक होने के बाद ये लोकार्पण इसका कर देंगे सरकार। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।